फैमिली वेलकम टू आर चैनल। मैं हूँ विशाली, आप सभी का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा के फैशन डोज पे। आप सभी का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो फाइनली आ गया है विंटर हॉल। चाहे वेडिंग में जाना हो, वेडिंग अटेंड करनी हो, या फिर जाना हो वेकेशन पर, आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूँगी जैकेट से। जैकेट, बॉटम, अनारकली, कुर्ती टॉप, सब कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आज की वीडियो में होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय हॉल स्टोर में सभी के लिंक दे दिए हैं, चेक कर लेना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैकेट से, क्योंकि उसके लिए मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैंने सबसे पहले जब वीडियो भी मैं शूट कर रही थी ना, सबसे पहले मैंने जैकेट्स शूट की थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी ये पफर जैकेट, जो कि परफेक्ट है। पिछला पूरा विंटर का सीज़न निकल गया था, मुझे किसी लाइट कलर में अच्छी पफर जैकेट नहीं मिल रही थी। फाइनली इस बार मैंने सबसे पहले वही ढूंढना शुरू की और मुझे मिल गई। ये है बहुत ही प्यारी लाइट बेबी पिंक कलर में जैकेट। हालांकि अगर इसका आइवरी या बेज कलर हुआ तो मैं अभी के अभी इस वीडियो के बाद उसको ऑर्डर करने वाली हूँ। आई जस्ट लव इट। इसकी क्वालिटी सिंबल ब्रांड से है, जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस इसमें ना वो बहुत सारे स्टिचेस वगैरह या डिज़ाइन एंड ऑल बहुत कुछ लगा होता है ना, बना होता है, वो सब नहीं है। बिल्कुल बेसिक है, जैसे कि मुझे चाहिए थी। इसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक इनर पॉकेट भी मिलती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बहुत टाइम बाद मुझे जैकेट में अंदर की तरफ इनर पॉकेट मिली है। आगे की तरफ जो पॉकेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी डीप एंड वॉर्म है। दिस जैकेट इज़ सो कोजी, आई जस्ट लव इट। शिमला मनाली की विंटर्स के लिए ये परफेक्ट है। मैं भी अपनी एक वेकेशन प्लान कर चुकी हूँ, मतलब एक ट्रिप, और मैं बहुत जल्दी जाऊँगी और सारी अपडेट्स आप लोगों को देती रहूँगी। आई जस्ट लव इट, 100% रिकमेंडेड। बल्कि मुझे ये इतनी अच्छी लगी है कि इसका नेक्स्ट साइज़, इसका नेक्स्ट कलर जो भी अवेलेबल है, मैं ऑर्डर करने वाली हूँ आज। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टाग्राम है हैंडल है vishalimitra.official। मैं किस ट्रिप पर जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी, सारी चीज़ें मैं अपडेट करती रहती हूँ, फॉलो कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबको काम आती है। एसेंशियल वीडियो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारा पैंट। अच्छा, ये बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ जॉगर, जो कि मैंने आई थिंक इस जैकेट के साथ ही पहना हुआ था। ये देखो, फुल्ली इलास्टिकेटेड, आई थिंक ये भी सिंबल ब्रांड से है। यस, ये भी सिंबल ब्रांड से है। फुल्ली इलास्टिकेटेड ब्रॉड बैंड, दोनों तरफ आपको पॉकेट मिलती है। ये वाला मैंने जो लिया, आई थिंक एक्सेल पर लिया है, क्योंकि इस तरीके के जॉगर्स आर यूनिसेक्स, मतलब मेंस वुमेंस दोनों ही पहन सकते हैं, तो मैंने इसे ले लिया। और ग्रे कलर में भी लिया है इसलिए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही शेयर कर सके। आपको घर में जॉगर्स पहनना पसंद है, जस्ट ट्राई दिस आउट। इसके नीचे की तरफ काफ़ी ब्रॉड इलास्टिक है, बहुत अच्छी लगती है, आई लव इट। और इसमें आपको कम से कम 5 to 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंदर से इसमें जो ये फ्लीस लगाया हुआ है वो काफ़ी वॉर्म फैब्रिक वाला फ्लीस है, लव इट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पूछने वाले हो वैशाली आपने क्या पहना है, मैंने बहुत ही सुंदर पटोला प्रिंटेड एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती पहनी है, और ये आई थिंक जुनाइपर ब्रांड से है, और ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, इसका भी मैं लिंक दे दूँगी। जो ईयरिंग्स मैंने पहने हैं यार, ये बहुत पुराने हैं, एंड मुझे ब्रांड याद नहीं है, बट ये एक इंस्टाग्राम स्टोर से हैं। सो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, मैं अपडेट कर दूँगी। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ, इट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल थिंग। मैं जिम में भी इनको यूज़ करती हूँ, एंड विंटर्स में तो आप पहन ही सकते हो। दीज ब्लैक फ्लेयर पैंट्स, कॉटन फ्लेयर पैंट्स, जिसकी स्ट्रेचबिलिटी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, योगा, बैडमिंटन, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, जुम्बा क्लासेस, डांस क्लासेस, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। एक ब्रॉड बैंड मिलता है ऊपर की तरफ, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर की तरफ से इस तरीके से एक इलास्टिक बैंड मिलता है, जिसको आप खींच के मतलब एडजस्ट कर सकते हो, टाइट कर सकते हो। साइड पर इसमें जो पॉकेट मिलती है ये कॉटन फ्लेयर पैंट में, इसमें आपको जिप वाली पॉकेट मिलती है, विच आर सिक्योर जब भी आप एक्सरसाइज इन ऑल कर रहे होते हो, एंड आपका आईपॉड्स है या फिर ईयरफोन्स, फ़ोन आपके पास है, उसको आप सिक्योरली अपने पास रखना चाहते हो कि वो गिरे नहीं, तो आप ये वाली पैंट्स को ज़रूर ट्राई करना, 100% रिकमेंडेड। मेरे पास ब्लिस क्लब से मेरा पूरा जिम वेयर, मतलब मेरे वार्डरोब का एक सेक्शन पूरा ब्लिस क्लब से भरा पड़ा है। उनके जो टी शर्ट्स वाला सेक्शन है, उसके सारे कलर्स, बॉटम्स में सारे कलर्स, बॉटम के पैटर्न्स में भी मेरे पास 6-7 टाइप के बॉटम्स हैं, मतलब
आई एम अ ब्लिस क्लब फैन। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक अनारकली, बहुत ही सुंदर वाइन कलर में ये अनारकली है। इस तरीके से पूरा इस पर आपको फॉइल प्रिंट मिलेगा गोल्डन कलर का। इस तरीके से इसका जो प्रिंट का डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर है। यहाँ पे एलिफेंट का प्रिंट हो रखा है एंड इसके बॉटम पर भी पूरा इस तरीके से एलिफेंट का एकदम ट्रेल टाइप का पूरा बना हुआ है, फ्रंट पर भी बैक पर भी। मैंने इसको गोल्डन पैंट्स के साथ पहना है, वो बहुत सुंदर लग रहा था। घर में वेडिंग है, वेडिंग की शॉपिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत मार्केट्स के लिए जाना पड़ता है, डे टाइम में कोई फंक्शन रिचुअल है तब आप इसको कम्फर्टेबली पहन सकते हो। देखने में तो इतना सुंदर लग ही रहा है, प्लस पहनने में प्यारा है, कम्फर्टेबल है और ब्रांडेड है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इट्स अ फ्लीस लेगिंग, फ्लीस वाली लेगिंग। मैंने प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे ब्रांड्स की ट्राई की थी बट इस बार जो मैंने ट्राई की है ये सिंबल ब्रांड से है। हालांकि इन्होंने मुझे आई डोंट नो कैसे, मैंने तो आई थिंक लार्ज साइज ऑर्डर किया था बट ये मुझे रिसीव हुई है स्मॉल में, बट स्मॉल भी मुझे आ गया क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल रहती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ्लीस, ये अंदर की साइड इसका फ्लीस है। जिनको विंटर्स में घूमने जाना है या फिर जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, शॉर्ट ड्रेसेस पहननी है बट उसके नीचे इस टाइप का फ्लीस लेगिंग चाहिए, या फिर कुर्तीज़ के नीचे पहनना है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ये आपको बहुत वार्म और कोजी फील कराएगा, ट्रस्ट मी इससे बेटर क्वालिटी का फ्लीस लेगिंग मैंने अभी तक नहीं बाय किया। हालाँकि लास्ट ईयर में भी मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए थे बट इसका क्वालिटी इज़ अनदर लेवल। बैंड जो है उसकी इलास्टिक भी बहुत अच्छी है, प्लस इसका जो वैसे पैंट है उसकी इलास्टिक, आप ये देखो ये कितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ट्रस्ट मी, अगर अभी तक आपने फ्लीस लेगिंग्स और भी ब्रांड्स की ट्राई की है ना, आप ये सिंबल ब्रांड की ट्राई करो, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं। सो इसके साथ इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ डब्ल्यू ब्रांड से एक वुलन कुर्ती जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। फ्रंट पर बहुत ही बेसिक सी कुर्ती है बट बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसमें मल्टी कलर से। फुल स्लीव मिलता है, स्लीव के एंड पर भी इसे मल्टी कलर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ए लाइन में ये कुर्ती है एंड इसमें आपको पॉकेट भी मिल रहा है, अच्छा खासा आपको पॉकेट मिलता है एंड ए लाइन में है। इसको मैंने यही फ्लीस लेगिंग के साथ पहना हुआ था, हालांकि अभी उतनी तेज़ ठंड नहीं आई है, एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में उतना नहीं है मुझे तो फ़िलहाल, क्योंकि मुझे सर्दी जो है ना वो बहुत कम फील होती है, तो अभी मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी वार्म है। जब मैं ये ट्रायल भी कर रही थी, ट्रस्ट मी, मेरे जो स्टूडियो है उसमें एसी चल रहा था, स्टिल अभी भी मैं एसी में ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ, सो मुझे उतनी ठंड नहीं लगती है बट स्टिल ये काफ़ी वार्म ऑप्शन है। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ, इट इज़ इन बाटिक प्रिंट और ये डार्क नेवी ब्लू कलर में कुर्ती है, ये ब्लैक नहीं है। मे बी आपको ये ब्लैक दिख सकती है स्क्रीन पर क्योंकि काफ़ी डीप नेवी ब्लू कलर है। इसके फ्रंट पर बहुत सुंदर क्रीम कलर की थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड फॉल्स मिरर का काम है 3/4 स्लीव एंड यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है। स्ट्रेट कुर्ती मिल जाती है, बीच बीच में ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो फ्लोरल, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है फॉल्स मिरर के साथ। पूरा बाटिक प्रिंट में ऑरेंज एंड मरून कलर का डिज़ाइन किया हुआ है, आई लव इट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये वाला कुर्ती स्टाइल किया हुआ। आप चाहे तो इसके साथ डेनिम पहन सकते हो ब्लैक कलर का, क्योंकि बॉटम्स अगर आपको हैवी पहनने हैं डेनिम में भी आप जा सकते हो, फ्लीस लेगिंग्स पहन सकते हो या फिर वुलन, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं बॉटम वेयर में। आगे भी इफ़ यू वांट प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग सेपरेटली एक विंटर बॉटम वेयर का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के बॉटम्स देखूंगी, इकट्ठे करूंगी, देन उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, बट प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो है वो है अगेन अ फुल स्लीव कुर्ती, क्योंकि ऑब्वियसली फुल स्लीव के इस वक्त हमें आउटफिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विंटर के जितने भी कपड़े होते हैं, चाहे वो वुलन हो या फिर पॉलिएस्टर फैब्रिक या कैसे भी वेलवेट वगैरह की कुर्तीज़ एंड ऑल, मुझे तो सबके नीचे कॉटन का चाहिए होता है फुल स्लीव का, चाहे मैं कुर्ती पहनूँ, टॉप पहनूँ, टी शर्ट पहनूँ। तो इस तरीके से मैंड्रिन कॉलर में बहुत ही सुंदर कलमकारी प्रिंट में कॉटन मटेरियल पर, इट्स अ ब्लॉक प्रिंट कॉटन मटेरियल, फुल
स्लीव में सीक्वेंट बाय इलास्टिक मिल रही है, फिट एंड फ्लेयर में ये वाली आपको कुर्ती मिल रही है, आई लव इट। इसको आप शॉर्ट अनारकली की तरह भी पहन सकते हो। मैंने इसको स्ट्रेट बॉटम के साथ पहना है। ये जो बॉटम मैंने पहने हुए हैं ब्लैक वाले, ये ब्लिस क्लब वाला ही पैंट है और इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा था। सो ये भी आप पहन सकते हो, प्लस आप चाहो तो लेगिंग्स या फिर कोई और बॉटम जो आपको अच्छा लगता है वो भी आप पहन सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेकेंड मोस्ट फेवरेट थिंग, अ जैकेट। और ये इतनी बढ़िया जैकेट है, ये है रिवर्सिबल जैकेट। इस बार मैंने सोचा कि रिवर्सिबल जैकेट भी चाहिए मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप वेकेशन पर जाते हो ना, वहाँ पे कपड़े वॉश करने का या स्पेशली जैकेट्स का तो कोई स्कोप नहीं होता। सो मैंने सोचा कि इस बार ऐसा लेना है कि प्रॉब्लम ही ना हो। फ्रंट से बहुत प्यारा ब्राइट पिंक कलर, एंड ये ब्रांड भी आई थिंक सिंबल ब्रांड से ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्रांड आपको पता लग जाएगा, यहाँ से मैंने टैग हटा दिया है। इसके अंदर पीछे की तरफ एक जिप भी दी हुई है, ये देखो, जिससे रिवर्स करते हैं। अंदर बहुत ही प्यारा ग्रे कलर है, ऊपर की तरफ आपको मिलता है ब्राइट पिंक कलर। जीन्स के ऊपर आपने सिंपल टी शर्ट पहना है एंड ये वाला जैकेट पहना है, एंड दैट्स इट। मतलब मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी। कितनी भी मतलब तगड़ी तड़ाके वाली कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, मुझे इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे लास्टिंग मिल जाती है आपको, आई लव इट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ अ वेरी क्यूट ब्लैक टॉप। अब देखो पूरा पार्टी सीजन है, क्रिसमस भी आएगा, न्यू ईयर भी आएगा, बहुत सारी बर्थडे एनिवर्सरी पार्टीज होती है, तो उसके लिए आप एक प्रिटी टॉप कंसीडर कर सकते हो। इट्स अ ब्लैक सैटिन टॉप जिसकी नेकलाइन पर इस तरीके से फ्रिल के डिज़ाइन पर सीक्वेंस लगा हुआ है हल्का सा, जो कि एक पार्टी लुक देता है इसको, शाय ब्रांड से। फुल स्लीव है और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे पास एक इस तरीके का सीक्वेंस वाला, फुल सीक्वेंस वाला पैंट है। अगर मैं कहीं पार्टी में गई तो मैं टॉप ये वाला पहन के सैटिन वाला, नीचे ब्लैक सीक्वेंस वाला पैंट पहनूंगी। और मैं फोटोज़ वीडियोज़ डाल दूँगी इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वैशाली मित्रा डॉट ऑफिशियल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अगेन अ फुल स्लीव फिट एंड फ्लेयर टॉप। ये देखो कॉटन में पूरा अजरक प्रिंट पर, मैंने इसमें साइज लार्ज पहना हुआ है। ये देखो फुल स्लीव में बिल्कुल एकदम चूड़ी वाली, जो चूड़ीदार स्लीव्स होती है ना वो है, आगे की तरफ एक टिच बटन भी दिया हुआ है अंगरखा स्टाइल में। हालांकि खुलता नहीं है, सिर्फ शो के लिए डोरी वोरी सब दी हुई है, एंड ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा इसको आप इस तरीके के तो पहन नहीं सकते हो जीन्स एंड ऑल के साथ, जीन्स भी मैं लिंक कर दूँगी, अमेज़ॉन से ही है। इसके साथ आप पेंसिल या फिर एकदम स्लिम फिट वाली जो जीन्स होती है ना उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा टॉप। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पुल ओवर एंड इट्स अ स्वेटर। एंड हाई स्टार ने इस बार इतने सुंदर सुंदर स्वेटर्स निकाले हैं, ट्रस्ट मी मैं और भी इनके ऑर्डर करने वाली हूँ। हाई स्टार, मुझे इस ब्रांड से प्यार होता जा रहा है, सच्ची बता रही हूँ। इसकी शर्ट्स मेरे पास कम से कम 9-10 शर्ट्स मेरे पास हैं, एंड अब होने वाली है स्वेटर की कलेक्शन। पुल ओवर राउंड नेकलाइन एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल मल्टी कलर पैटर्न, आई लव इट। जब मैं इसका ट्रायल कर रही थी इतनी प्यारी लग रही थी ये पहनने के बाद लग रहा था, और जब मैंने इसको मतलब चेंज किया उतारा तो मैं आपको सच्ची दिखाऊँ इसका बैक साइड, ये देखो इट्स अ ब्यूटिफुल स्वेटर। मतलब ये तो मुझे रिवर्स करके ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब मैं इसको ट्रायल कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो पूरा इतनी ब्यूटीफुल निटिंग है इसके स्वेटर की। ये देखो ये रिवर्स करके तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब एकदम जैसे गोविंदा और वो ऋषि कपूर टाइप्स वाइब्स, जैसे 90s में जो गाने आते थे ना ऋषि कपूर के, लव इट यार, बहुत अच्छे लगते थे मुझे उनके स्वेटर्स। प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करके बताना कि ऋषि कपूर जिस टाइप के स्वेटर्स पहनते थे आप लोगों को अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते थे यार। सो इस टाइप का ही स्वेटर एक मैंने भी ढूंढ लिया है, फटाफट आप भी ट्राई कर सकते हो। देखो जब भी वेकेशन पर जाते हैं ना तो कुछ कलरफुल पहना होता है, तो कहीं भी आप पिक्चर खिंचाते हो ना, पिक्चर्स एकदम ब्यूटीफुल मेमोरीज बन जाती है ना। यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप क्या क्या देखना चाहते हैं फटाफट से कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे चिपके।